तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, x इज x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि x जो है वो 1 से छोटा होगा। जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, x प्लस 2 वाली, ठीक है। तो x प्लस 2, तो यानी कि x की जगह आपको बस 1 माइनस h डाल देना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की जगह डाल दो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h प्लस 2, ये हो गया। देखिएगा फिर अब यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h, अब h की जगह 0 डाल दीजिए, तो ये 3 माइनस 0 यानी कि रिजल्ट क्या हो गया 3 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 3। अब जरा निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, या एक काम करो राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू निकालिए। आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ वन इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू सीधा सीधा 0 के इक्वल है, तो बस इतने में ही कर दीजिए, सिंस LHL at x is equal to 1, fx is not equal to f1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x is equal to 1 fx, ये फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 1 के इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम ये कहेंगे सो fx will be discontinuous, fx will be discontinuous at x is equal to 1. fx will be discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये एग्जांपल नंबर 11 था हमारा, एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे इसी तरह से। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to x plus 2 if x is less than 0, if x is less than 0, or minus x plus 2, minus x plus 2 if x is greater than 0, इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है, हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो आप ये देखिए x is equal to 0 वाला पॉइंट हमको नहीं दे रखा है, x is equal to 0 वाला पॉइंट नहीं दे रखा है, तो अगर वो पॉइंट दे रखा होता तो भी खैर करके देखते, क्या पता ऐसा हो सकता है कि शायद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात समझ में आ जाए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे को क्या करना है कि 0 से छोटे वाला लेना होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 से बड़े वाला लेना होगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर मान लो वही दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो मैं कह दूंगा डिसकंटीन्यूअस है, पहली चीज़ तो ये। और अगर मान लीजिए वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी जीरो पर, ठीक है। तो तब का तब देखते हैं, पहले इतना देखिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर देखें। हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे, तो लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी और राइट हैंड लिमिट निकालनी, तो ये हो जाएगा एल एच एल एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। हाँ जी, ये जो 0 minus h है ये क्या हो जाता है, minus h ही तो हो जाता है।
इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच। अब देखिएगा क्या है कि जब एफ एक्स था तो रिजल्ट क्या था, एक्स प्लस टू का डूबल कौन सा, एक्स लेस देन जीरो वाला, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो एक्स लेस देन जीरो वाला हम लेंगे, तो मुझे एक्स प्लस टू वाला लेना है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एच, सॉरी हाँ एक्स की जगह माइनस एच आ जाएगा, माइनस एच प्लस टू, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सीधा सीधा एच की वैल्यू जीरो डालनी पड़ेगी, तो माइनस जीरो प्लस टू, तो रिजल्ट क्या आ गया, टू आ गया, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब सिर्फ एच हो गया, एफ एच हो गया, है ना, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर ये वाला लेंगे क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला लेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, एच की जगह मतलब एक्स की जगह एच डाल दीजिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स की जगह एच डाल दो, माइनस तो पहले से है, माइनस और एच और प्लस टू, ये हो गया माइनस जीरो प्लस टू, तो रिजल्ट क्या आ गया, प्लस का टू आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया और राइट हैंड लिमिट आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई हमारे पास, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो दे ही नहीं रखा हमको, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है, बट डिफाइन नहीं कर रखा है इन्होंने, तो हम कहेंगे हमको पता ही नहीं है कुछ भी उसके बारे में, इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एफ एक्स इज continuous everywhere, fx is continuous everywhere and except at x is equal to 0, सिर्फ x is equal to 0 पर continuous नहीं है, लेकिन उसके अलावा सब जगह वो continuous होगा, तो उसकी continuity के बारे में discuss करते हैं, तो वो x is equal to 0 पर continuous नहीं, बाकी सब जगह है continuous, सर बाकी पर तो कैसे ले सकते हैं, दोबारा बोलिए सर, मतलब बाकी पॉइंट पर कैसे कर सकते हैं, बाकी पॉइंट्स पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सवाल किसी और के दिमाग में भी आया कि नहीं आया था, पूछा नहीं, चलिए सुनिए। अब आप ये देखिए कि जैसे x लेस देन 0 पर हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है, तो आप क्या करिए, अब x इज इक्वल टू माइनस 1 ले, भाई 0 पर हमने कहा वो 0 पर डिफाइंड नहीं है, जब 0 पर डिफाइंड नहीं है तो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमने क्या करा कि अब हम x लेस देन 0 से मतलब x से 0 से छोटा छोटा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, माइनस 1 ले लो, माइनस 2 ले लो, माइनस 3 ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक के लिए फंक्शन तो यही आएगा x प्लस 2, ठीक है। तो अभी तक ये देखिएगा कि जो हमारे फंक्शन हैं जो डिसकन्टिन्यूस हुए हैं वो कौन से हुए हैं, जहाँ पर वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, तो जब मैं x लेस देन 0 वाला लूँगा तो मेरे पास फंक्शन सेम ही आने वाला है x प्लस 2, x प्लस 2 ही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट पर आएगा, x प्लस 2 ही हमारा राइट हैंड लिमिट पर आएगा, ठीक है, तो वो इक्वली आएगी वैल्यू, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 0 आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, चलो कोई एक करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमेशा के लिए एक चीज़ दिमाग से निकल जाए कि जो भी कोई हमको पॉइंट दे रखा होता है जिस पर वो डिफाइंड नहीं होता उस पर छोड़कर बाकी वो सब जगह कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जैसे x ग्रेटर देन 0 है ना, तो मैंने ले लिया x की वैल्यू 2 ले लूँ, है ना, तो हम ये करते हैं, ये लेट अस चेक देख रहे हैं कुछ भी,
यहाँ पर ये बताया है कि x less than 0 पर ये है function, x greater than 0 पर ये, x is equal to 0 पर क्या बताएंगे? Not defined. Not defined का मतलब ये है कि define नहीं कर रखा है, इसका मतलब not defined. अगर कोई चीज़ हमको दे ही नहीं रखी है तो हम ये कहेंगे वो defined ही नहीं है, ठीक है? चलिए जी, इसमें हम ये कहेंगे let us check from this function's continuity. Let us check this function's continuity at x is equal to 2. है ना, मैं x is equal to 2 पर इस function की continuity check करता हूँ. कैसे करेंगे? देखिएगा, LHM निकाल लीजिए. F2 minus H का मतलब है कि x जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा. एक नंबर 9 बना लेते हैं. इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है. 0 से बड़े बड़े पर, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, माइनस एक्स प्लस 2. ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है? तो अगर वो 2 से जरा सा छोटा होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू तो यही आनी है, माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 2, अब एक्स की जगह डाल दीजिए 2 माइनस एच. माइनस एक्स की जगह डाल दिया 2 माइनस एच और प्लस 2. मुझे लग रहा है समझ गया होंगे आप. ये क्या है? ये है माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है? और x की जगह मैंने क्या डाल दिया? 2 माइनस एच. क्लियर है? ठीक, अब इसको एक्सपेंड करो. लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का एच और प्लस का 2. प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ h बचा. h की वैल्यू तो 0 है, 0 आ गया रिजल्ट. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं? RHL at x is equal to 2 fx is equal to limit x tending to 2 plus fx is equal to limit h tending to 0 f2 plus h. ये हो गया. अब क्या है? अब x की वैल्यू 2 से मामूली सी ज़्यादा है, जरा सी ज़्यादा है, ठीक है? तो 2 प्लस एच हमने बोल दिया. अच्छा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच क्या लिखेंगे? फंक्शन तो वही है, अगर 2 से जरा सा बड़ा हो, 2 से जरा सा छोटा हो, तो 0 से बड़ी वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू तो वही आने वाली है, माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 2 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2 माइनस एच प्लस 2, प्लस 2 माइनस 2 बन गया. एच की जगह 0 डाल दीजिए. माइनस 0 क्या होता है? कुछ भी नहीं, 0 ही तो होता है. होगी, ये हो गया. अब इसी तरीके से एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू निकाल लीजिए उसकी. ठीक है, एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू निकाल दो, मतलब f2 निकाल दो. तो एग्जैक्टली जब 2 पर वैल्यू निकालूंगा तो वो भी तो यही फंक्शन होगा, माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, तो x की जगह 2 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 2, तो वो भी तो 0 ही आ रहा है. तो इसका मतलब ये होगा कि जब मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन मिलेगा ना मेरे को कि x प्लस 2 है, वहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, वहीं पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो हमेशा वो कंटिन्यूस ही आएगा. जब तक कोई हमारे पास कोई स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, स्पीड ब्रेकर मतलब क्रिटिकल पॉइंट ना आ जाए, तब तक गाड़ी स्मूथ ही चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी. क्लियर है?
ठीक है। दिव्यांशी कौस्तव बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे। Example number 13. Discuss the continuity of the function f given by a. ये सब नहीं समझ आने से वो समझ आ गया मेरे को, तुम अपना दोस्त बना रहे थे। Discuss the continuity of the of the function f given by you. Of the function f given by you. fx is equal to x if x is greater than equal to 0, if x is greater than equal to 0, x square if x is less than 0. Discuss the continuity of the function f given by, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये फंक्शन दे रखा है कि जब x greater than equal to 0 होगा तब तो x है उसकी वैल्यू, और जब वो लेस देन जीरो है तब उसकी वैल्यू x होगा। तो मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, मैं आपको दो मिनट में कॉल करूँ। हाँ जी, तो इसमें आप LHL, RHL और फंक्शन के बारे में जानेंगे, निकालने की तरह करके देखते हैं, जीरो पर ही चेक करना है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है तक करके देखो, मैं अभी आ रहा। रेनॉल्ड्स का पेन आता है अभी भी, ये वाला वाइट वाला, जब मैं छोटा था तब से आ रहा है ये पेन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अब तक चेंज ही नहीं हुआ है, 20-25 नहीं हुआ, 35 साल के करीब, तो मैं देख रहा हूँ। Thank you.
continuous. हो गया दिव्यांशी कौस्तव? यस सर। अच्छा इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 है, वैसे तो ये बोल रहे हैं शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। क्वाड्रेटिक हो सकता है या क्यूबिक हो सकता है, वाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर मतलब पावर एन तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉलीनोमियल फंक्शन कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। वो बोल रहे हैं शो दैट एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जितने भी पॉलीनोमियल फंक्शन है सारे के सारे कॉन्टिन्यूस ही होते हैं, ये शो कर। तो देखिएगा कैसे करेंगे, पहले चलते और जब कॉन्टिन्यूस शो करना है तो किसी एक पॉइंट पर नहीं करना है, सब जगह करना है। तो जब ऐसे करना होता है ना सब जगह, तो मैं कोई भी एक नॉर्मली ऐसे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू c, तो उस पर चेक करूंगा। तो एलएचएल लेट x इज इक्वल टू c, px इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस px इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 p c minus h, p c minus h, ये हो गया। अब p c minus h तो फंक्शन तो एक ही है, तो इसमें जहां जहां पर x नजर आए वहां वहां पर c minus h डाल दूंगा। limit x tending to 0 p naught plus p1 into c minus h प्लस ए टू इंटू सी माइनस एच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन इंटू सी माइनस एच की पावर एन, ए एन इंटू सी माइनस एच की पावर एन, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें क्या किया जाएगा,
देखिएगा कि यहाँ पर ना एक जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करते टाइम हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है कि जो कॉमन ले ले और वो कट जाए। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, देखिए एक चीज़ होती थी बाइनोमियल थ्योरम, वो बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं करी है। वैसे तो ये बाइनोमियल थ्योरम वाला क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम का एक शॉर्टकट तरीका बस इतना है कि ये जो टू है, ये जो पावर है ना, ये पावर यहाँ पर इस वाले टर्म में जो बहुत छोटी टर्म होती है उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस में 11th क्लास में देखा होगा फिजिक्स वाले बच्चों ने कि ये जो पावर होती है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है छोटी टर्म में, तो एच जो है ये बहुत छोटी टर्म है। तो आप ये देखिएगा कि अगर एन यहाँ पर एच में मल्टीप्लाई हो जाता है, टू यहाँ पर एच में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाएगा, बस उसका एक्सपेंशन यही होगा। तो एच वाला टर्म तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, एच को तो जब हम जीरो डालेंगे तो वो तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें आप सीधा सीधा ये करिए कि जब वैल्यू डालेंगे तो ई नॉट रिजल्ट क्या आएगा, ई नॉट प्लस ए वन सी। सोच लीजिए एच की जगह जीरो डाल दिया, एच की जगह जीरो डाल दिया तो क्या हो गया, सी ही तो बचा, तो ए वन सी, एच की जगह जीरो डाल दिया तो सी का स्क्वायर, तो ए टू सी स्क्वायर, ए टू सी स्क्वायर। ऐसे ही करते करते उधर एच की जगह जीरो डाला तो ए एम सी की पावर एन। आप समझ रहे होंगे जैसे एल एच एल आया है ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू आएगी और ऐसे ही आर एच एल आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है। करके देखते हैं आर एच एल at x is equal to c, px is equal to limit x tending to c plus px is equal to limit h tending to 0 p c plus h is equal to limit h tending to 0 c plus h जो है। अब आप क्या करिए, उसी एक्सप्रेशन में सेम एक्सप्रेशन है, कोई क्रिटिकल पॉइंट वगैरह तो है नहीं कि इधर कुछ और उधर कुछ और नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी पॉलीनोमियल में डाल देना e नॉट प्लस ए वन, एक्स की जगह क्या आ जाएगा c plus h प्लस ए टू c plus h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन c plus h की होल पावर n, ठीक है। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिएगा कि यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये आ गया, तो अब सॉरी ये आप डालने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा वैल्यू डालो, ये आ जाएगा ए नॉट प्लस सी प्लस जीरो सी हो गया, तो ए वन सी, सी प्लस जीरो सी हो गया, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए टू सी स्क्वायर और डॉट 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 ए एन सी की पावर एन, ये हो गया। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के बाद में फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, यानी कि पी सी, पी एक्स है तो पी सी निकालो तो क्या हो जाएगा, ए नॉट जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर सी डाल दीजिए, ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन सी की पावर एन, ये हो गया, ठीक है। सिंस LHL at x is equal to c, px is equal to RHL at x is equal to c, px is equal to pc. So a polynomial function is everywhere continuous. A polynomial function is everywhere continuous. अगला example देखते हैं, example number 15.
एग्जाम्पल 15 में है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी of the greatest integer function defined by fx is equal to gif of x, where तो पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन्होंने बोला where gif x denotes the greatest integer less than or equal to x, मतलब gif function क्या है वो, है? अब देखिए वो बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मेरे को इसके सारे के सारे पॉइंट बताने हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के, मतलब ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये बताना, ठीक है? तो जरा देखते हैं, जी आई एफ याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का तो 2 ही आएगा, 2.2 है तो इसका 2 आएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो भी आपका इंटीजर होगा वो, और मान लीजिए -2.3 है तो क्या आएगा, -3 आएगा, तो -2.3 से इधर वाला जो भी छोटा जो less than or equal to द इंटीजर फंक्शन वो होता है, तो या तो इंटीजर के इक्वल आएगा या फिर उससे छोटा वाला आएगा, तो 2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 2, -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है -3, ठीक है? बस यहीं पर सारा का सारा छुपा हुआ है नेगेटिव वाले में। अब आगे चलते हैं, अब बोल रहे हैं कि मेरे को ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब इसके डिस्कॉन्ट, पहले तो ये तो क्लियर ही हो गया कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है ना, तो इसका मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पर है वो सारे पॉइंट्स बता दीजिए, ठीक? तो जरा देखते हैं, लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to c, x is equal to c, हम x is equal to c पर continuities की चेक करते हैं, पहले चल at x is equal to c, fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 or f c minus h, limit h tending to 0 or f c minus h, ये हो गया, is equal to limit h tending to 0, limit h tending to 0, हाँ जी, f c minus h का मतलब क्या है, नहीं function तो एक ही दे रखा है, क्या दे रखा है, gif of x, तो क्या हो जाएगा ये, gif of c minus h, अब ये h क्या है, tending to 0, तो c माइनस h का मतलब क्या है कि c में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो c से जरा सा छोटा, सोचो अगर 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने लगे, मामूली सा भी सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1.9999 ऐसे आ जाएगा, और इसका gif क्या होगा 1, समझ गए? तो ये आया कैसे कि 2 में से मामूली सी कोई चीज, कोई बहुत छोटा सा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जरा सा भी अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू एक डाउन हो जाएगी, सीधा एक डाउन हो जाएगी, जब 2 से 2 का gif 2 आ रहा था उसमें से जरा सा कुछ सब्ट्रैक्ट करा तो 1.9999 आ गया, तो एकदम से वैल्यू 2 से घटकर सीधा 1, मतलब एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसी तरीके से जब c माइनस h है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, c में से कुछ घट गया तो gif क्या आएगा, c माइनस 1, बिल्कुल सही, ठीक है? तो रिजल्ट c माइनस 1 आ गया, आपको h टेंडिंग टू 0 की कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए मेरी बात, ये क्लियर है, ये समझे? दोबारा देखिए,
हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये एफ सी माइनस एच, ये तो समझ में आ गया, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फिर एफ सी माइनस एच क्या होगा, जी आई एफ ऑफ सी माइनस एच। जी आई एफ ऑफ सी माइनस एच का मतलब क्या है कि हम सी में से जरा सा कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सी क्या था, सी एक इंटीजर था, सी को एक इंटीजर था, तो जो टू है, टू का जी आई एफ तो टू ही आएगा, टू में से कुछ हल्का सा भी सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या आ गया, चलिए 1.999। हमने क्या करा, 0.001 सब्ट्रैक्ट करा है उसमें से, तो 1.999 आ गया, इसका जी आई एफ क्या होगा, 1 होगा। तो 2 में से मामूली सा सब्ट्रैक्ट करते ही वो एक नीचे आ गया, पूरा नंबर पूरा एक नीचे का जंप हो गया, मतलब 2 माइनस 1 हो गया। तो ऐसे ही जब C है, C में से कुछ जरा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C माइनस 1। अभी क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, ये तो एल एच एम हुआ, ये दिव्यांशी क्लियर है, ठीक है, वास्तव क्लियर है, बता दो, यस सर, ठीक है, आगे करवा रहा हूँ। फिर इधर देखिएगा, टोटल 10 तक करना है एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 से 10।
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है ये कर लेंगे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग।